हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, बारिश का मौसम आ गया है तो कुछ चटपटा हो जाए। तो आज मैंने आप लोगों के साथ जो मैं शेयर करने जा रही हूँ वो हैं आलू के पकोड़े। देखने में तो ये टेस्टी और यम्मी दिख ही रहे हैं, वैसे ही खाने में भी बहुत क्रंची हैं, क्रिस्पी और यम्मी ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी रेसिपी, मैंने कैसे बनाया है। और रियली ये बहुत इजी है, इसका जो तरीका है बनाने का, टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता। जब चाहिए तब बना लीजिए, या तो मॉर्निंग में आप इसे ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, या तो शाम को चाय के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले मैंने लिए हुए हैं 4 मीडियम साइज़ के आलू, उबले हुए हैं ये। इनको मैंने हाथ से ही अच्छे से मैश कर लिया है, अच्छे से मैंने इनको मिक्स कर लिया हुआ है। मुझे कद्दूकस करने की ज़रूरत नहीं लगी तो मैंने नहीं किया। अब इसे मैं ऐड करूँगी 4 से 5 चॉप्ड ओनियन जो बारीक कटे हुए हैं, और इसमें हरी धनिया मैं डालूँगी 1 कटोरी भर के, और 2 से 3 मैंने इसमें हरी मिर्च काट के डाली हुई हैं। अभी मैं इनको अच्छे से मिला लूँगी। इसके बाद इसको थोड़ा सा और स्वाद बढ़ाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च, आधे से भी कम चम्मच, चाट मसाला, हींग, साल्ट डालेंगे, नमक अपने स्वादानुसार, और 1 चम्मच हम इसमें जीरा डालेंगे। जिसका मेन इंग्रेडिएंट है इसको क्रिस्पी बनाने के लिए, वो चावल का आटा। बेसन आधी कटोरी, और इसको मैं अब अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जितना भी मटेरियल है मेरे पास, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। देखिए प्रॉपर मेरा डो बन के तैयार हो गया। इसकी जो कंसिस्टेंसी है ये ऐसे रहनी चाहिए। और फ्रेंड्स, मैंने इसमें पानी बिल्कुल नहीं ऐड किया, क्योंकि मुझे पानी की ज़रूरत नहीं लगी थी, तो मैंने पानी बिल्कुल नहीं ऐड किया था। धनिया और प्याज वगैरह से ही उसको इतना पानी मिल गया कि हमारा जो मुझे ये बटर रेडी करना था इजीली मेरा रेडी हो गया। और पानी नहीं ऐड करिएगा वरना ये क्रिस्पी नहीं होंगे। कोशिश करिएगा कि नहीं ऐड करना पड़े। अगर आपको लगता है तो थोड़ा बहुत अमाउंट आप ऐड कर सकते हैं। तो मैंने तब तक कढ़ाई में तेल भी गरम कर लिया है, और टेस्ट करने के लिए मैं एक छोटा सा इसमें डालूँगी पीस। देखिए तेल भी गरम हो गया अच्छे से। तो चलिए बनाते हैं गर्मा गर्म पकौड़े बारिश के मौसम में। छोटे छोटे पीसेस मैंने डाले हैं इसको तलने के लिए, और इनको मैं मीडियम आंच पे पकाऊंगी। देखिए गोल्डन, जैसे ही इनका कलर चेंज होने लगेगा, गोल्डन ये होने लगे हैं, और जब ये सारे इसी कलर के हो जाएंगे मैं इनको एक अलग बर्तन में निकाल लूँगी। तो चलिए दोस्तों, रेडी हैं आज के पकौड़े, गर्मा गर्म टेस्टी और फटाफट रेडी होते हैं। और इनको मैंने पुदीने की चटनी के साथ अपनी फैमिली को सर्व किया हुआ। आपको जो चटनी पसंद हो आप उसके साथ तो अपनी फैमिली को सर्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।